हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं अंजलि सक्सेना आपके साथ डिस्कस करूंगी कैसे कम हो पेट्रोलियम पर निर्भरता। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। यह टॉपिक यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रतिभावान हैं और यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं तो इस इन्फॉर्मेशन को पूरा ध्यान से सुनिएगा। अनअकैडमी लेकर आया है अनअकैडमी कॉम्बैट, द मोस्ट कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड यूपीएससी सीएससी बैटल, जो कि प्रत्येक रविवार को सुबह 11 बजे होता है, जिसमें आपको मिलेंगे चैलेंजिंग क्वेश्चंस, सुपर फास्ट एंड फन विद रियल टाइम रैंकिंग्स, कम्पीट विद द बेस्ट, डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस बाय टॉप एजुकेटर्स आफ्टर द इवेंट, कम्पीट क्रैक एंड कॉन्क्योर। अगर आपकी रैंक 1 से 3 तक रहती है तो आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, वो भी अपने मन पसंदीदा समय के लिए। साथ ही रैंक 4 से 10 को मिलेगा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 75% डिस्काउंट। उसी प्रकार से रैंक 11 से 50 वालों को मिलेगा 50% डिस्काउंट और रैंक 51 से 500 तक मिलेगा 25% तक डिस्काउंट। इस कॉन्टेस्ट का फॉर्मेट है 45 मिनट, 60 क्वेश्चंस, 12 कॉम्बेट्स, 6 सेक्शंस, रिलेटिव स्कोरिंग एवरी संडे। इसमें एनरोल करने के लिए आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप, वहां पे रजिस्टर करें। साथ ही ध्यान रखें, इसमें फ्री एनरोल करने के लिए आपको यूज करना है CAEYT10 कोड। इस कोड को यूज करके आप इस कॉम्बैट में फ्री एनरोल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है। आइए देखते हैं यह सुर्खियों में क्यों है। सुर्खियों में पेट्रोलियम। इन दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके पीछे यह तर्क दिया जा रहा है कि यदि पिछली सरकारों ने देश की ऊर्जा आयात निर्भरता को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया होता तो मध्यम वर्ग पर इसका बोझ कम पड़ता। ऐसे में इस तर्क की समीक्षा की दृष्टि से विगत और वर्तमान सरकार द्वारा किए गए सार्थक प्रयासों की चर्चा आवश्यक है। क्या दृष्टिकोण रहा विगत सरकारों का, इस पर हम नजर डालेंगे। यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान यात्री वाहनों के लिए ईंधन दक्षता मानकों को तैयार किया गया जो वर्तमान में प्रभावी है। साथ ही राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन योजना यानी कि NEMMP का भी गठन किया गया। हालांकि ये दोनों प्रयास पर्याप्त नहीं रहे। यात्री कारों के लिए भारत के वर्ष 2022 के ईंधन दक्षता मानक यूरोपीय संघ के मानकों की तुलना में लगभग 20% कम कठोर है। राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन योजना मुख्यतः हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों पर केंद्रित थी, इसलिए इसके तहत अधिकांश प्रोत्साहन राशि का प्रयोग इलेक्ट्रिक वाहनों की बजाय हल्के हाइब्रिड वाहनों के लिए सब्सिडी के रूप में किया गया। क्या योजना है वर्तमान सरकार की, आइए नजर डालते हैं। भारी वाहन अब ईंधन दक्षता मानकों के अधीन है जो देश में प्रयोग में लाए जाने वाले डीजल का लगभग 60% उपभोग करते हैं। साथ ही जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 के तहत आयतन के अनुसार पेट्रोल में बायो एथेनॉल की मात्रा लगभग 8% तक बढ़ गई है। सरकार ने प्राकृतिक गैस सहित परिवहन क्षेत्र में कई फ्यूल पाथवेज को प्रोत्साहित किया है। फ्यूल पाथवेज 3 घटकों का एक विशिष्ट संयोजन है जिसमें फीडस्टॉक उत्पादन प्रक्रिया और ईंधन का प्रकार शामिल है। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण योजना FAME II काफी हद तक इलेक्ट्रिक वाहनों पर ही केंद्रित है। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर उन्मुखता बढ़ाने के लिए कई अतिरिक्त राजकोषीय एवं गैर राजकोषीय प्रोत्साहन भी प्रदान किए हैं। कैसे कम हो पेट्रोलियम पर निर्भर। सर्वप्रथम सरकार को एक शून्य उत्सर्जन वाहन कार्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत निर्माताओं के लिए एक निश्चित संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन अनिवार्य किया जाए। इस तरह के कार्यक्रम चीन, अमेरिका, कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया और दक्षिण कोरिया में प्रभावी है। सरकार को नई यात्री कारों और वाणिज्यिक वाहनों के लिए ईंधन दक्षता आवश्यकताओं को भी अनिवार्य करना चाहिए। भारत में दोपहिया वाहन किसी भी ईंधन दक्षता मानक के अधीन नहीं है। ध्यातव्य है कि ये वाहन कुल पेट्रोल उपभोग की लगभग 2/3 खपत करते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ परिवहन परिषद यानी कि ICCT के विश्लेषण के अनुसार वर्ष 2030 तक नए दोपहिया वाहनों द्वारा ईंधन की खपत में 50% कमी की अनिवार्यता वाले मानक से न सिर्फ इंजन ICE की दक्षता में सुधार होगा बल्कि इससे देश में लगभग 60% नए दोपहिया वाहनों का विद्युत आधारित संचालन भी सुनिश्चित होगा।
साथ ही अधिक ईंधन दक्ष इंजन ICE वाले वाहनों से उपभोक्ताओं की आर्थिक बचत भी होगी, क्योंकि ये ऊर्जा की कम खपत करती हैं और पेट्रोल व डीजल की तुलना में बिजली सस्ती भी है। ऊर्जा आपूर्ति में विस्तार और विविधता लाना अच्छा प्रयास है, किंतु भारत को ऊर्जा आयात निर्भरता पर कम करने के लिए पहले पेट्रोलियम उत्पादों की मांग का प्रबंधन करने की आवश्यकता है। अन्य पूरक नीतियां भी हैं। फेम योजना 2 और 3 पहिया वाहनों, टैक्सियों और बसों पर केंद्रित है। इसे न सिर्फ सभी यात्री कारों और वाणिज्यिक वाहनों बल्कि कृषि कार्य में संलग्न ट्रैक्टर्स तक भी विस्तारित किया जाना चाहिए। सभी प्रकार के वाहनों के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करना और चार्जिंग बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ाना एक अन्य पूरक नीतियां हैं। साथ ही सभी यात्री वाहनों के लिए GST दरों और उनके ईंधन दक्षता स्तर के समानुपाती किया जाता भी एक अच्छा उपाय है, जबकि वर्तमान में GST दरें वाहन की लंबाई और इंजन के आकार पर निर्भर करती हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अन अकेडमी।